चलो बेटा खुल जा लो, जितना खुल जाना खुल जा लो। का जो मेरा टिकट है वो है एक्वेरियम का, जो दुबई मॉल के अंदर है। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो मैंने टिकट भी ले रखा है, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। बट ये मॉल में ही बाहर के नज़ारे देखिए आप, अंदर लोग हैं और ये फिश देखिए, शार्क फिश। और ये मॉल बहुत बड़ा है, जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आपको फॉलो करना है मैप। मॉल के अंदर भी मैप है, उस मैप को फॉलो करिए। दोस्तों आप ये लाइन देख रहे हो, ये एक्वेरियम के लिए लगी है। अभी ऐसा कोई भीड़ नहीं है, तो चलते हैं। टिकट मैंने पहले ही रखा है। तो यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो जाती है दुबई एक्वेरियम की। ये अंडर वाटर जू है, जैसा बनाया गया उसके अंदर ही हम यहाँ से जा रहे हैं। ये तो वर्थ है, अभी स्टार्टिंग से मुझे लग रहा है ये वर्थ है, जितने हमने पैसे लगाए हैं उसके हिसाब से। देखो दोस्तों ये ऐसे स्माइल करते हुए आ रही है, ये देखो आपको लग रहा है देख के स्माइल कर रही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये था स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में ही काफ़ी सुंदर दृश्य था एक्वेरियम का। आर्क बना रखी है ये, और इसकी आईज है शार्क की आईज। और ये है मकाओ सामने बैठे, और जो चिल्ला है। तो इन मकाओ के साथ अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके लिए शायद चार्जेस है। एक बार मैं पूछ लेता हूँ चार्जेस कितना है, इसके साथ अलग से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं हम। ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, काफ़ी सुंदर। बस 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 हो गई, हो गई खुजली भाई, फोटो खींच रही है। क्या कुछ बात करनी है, कोई ये कुछ बात करना चाहती है? पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक्वेरियम के पास ही बैठा हूँ, और पीछे से आप देख सकते हैं कितनी सारी जो फिश हैं वो गुजर रही हैं। ये काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज हैं, मैंने तो अभी नहीं देखी, ये तो रियली इसको तो देखते ही नहीं कभी। टर्टल को आला लगा दिया है, ताला में दौड़ गया, अलग उड़ गया उसका। These are the baby sharks. Yeah, these are brown banded mamusha. These are mamushas. We have a lot of type of
are a lot of different types of species. दरियाई घोड़ा। दोस्तों ये है जेलीफिश, ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैसे मैंने वीडियोस वगैरह में देख रखी है, लाइव तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। Honestly, it's so important that we spot any new babies. We gather night crocodiles. तो ये अंडर वाटर अभी है जू, और यहाँ से हम ऊपर साइड गए थे। काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आपने टिकट ले रखा है तो पैसे वसूल हैं आपके। ये आपको दिखा दिया था मैंने जेलीफिश, अब एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। अभी रहा एग्ज़िट, और यहाँ से एग्ज़िट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ एक्वेरियम से, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ देखने को मिला, ऐसे स्पीसीज देखने को मिले फिशेस के जो मैंने आज तक नहीं देखे थे। अभी यहाँ का जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का टाइम हो रहा है 4:10 हो रहा होगा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ का जो टाइम है दुबई का वो है 2:40। भाई अब थक के बैठ गया मैं, बहुत बड़ा है ये दुबई का मॉल। फूड कोर्ट के चक्कर में एक राउंड लगा लिया। मैं बताता हूँ कितने रुपए का, तो आप उसको वही है 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एक अप्रॉक्स इंडियन करेंसी का रेट मिल जाएगा। तो भैया ये रहा अपना जाना पहचाना बर्गर किंग, और ये रहा हार्दी। तो भैया पापा जॉन भी है यहाँ पे, पाकिस्तानी ब्रांड, और हमें सामने दिख रहा है बॉम्बे चौपाटी। यहाँ पे बीफ ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे दिख रही है, तो भाई मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मुझे बहुत सोच समझ के खाना खाना है। तो बॉम्बे ये चौपाटी है, यहाँ देखता हूँ। तो दोस्तों बॉम्बे चौपाटी पे गया, यहाँ पे नॉन वेज भी था, वेज भी था, तो थोड़ा सा सही नहीं लगा। कल मैं पहुँच गया बीकानेर वाला पे, तो यहाँ पे मुझे प्योर वेजिटेरियन मिल गया, तो आप बीकानेर वाला आ सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन बड़ा इसी फिल्म का बड़ा मैंने क्या क्या लिया है, इसमें लिया है एक खस्ता कचौड़ी है, और एक वाटर बॉटल है, और एक है मसाला डोसा।
से देखिए। मेरी आज की थी वो थी दुबई एक्वेरियम, जो आपने देखा भी। फाउंटेन शो होता है वो बस मॉल के बिल्कुल सामने ही होता है, काफ़ी अच्छा फाउंटेन शो है इवनिंग का। तो अगर आप दुबई मॉल जा रहे हैं तो इवनिंग में रुकें और मेट्रो से ही सफ़र करें। अगर आपको बजट ट्रिप चाहिए तो मेट्रो से सफ़र करें तो काफ़ी सस्ता आपको पड़ेगा, अदरवाइज टैक्सी काफ़ी महंगी है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक एडवेंचरस वीडियो में, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ दाऊ क्रूज़ और भी एक्टिविटीज़ करनी है, वो सारी डिटेल मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।